कल अलविदा की नमाज और आगामी जो ईद आने वाली ईद है उसके मद्देनज़र आज सभी उलमाओं के साथ बैठक की गई और उस बैठक में सभी ने एक स्वर से सहमति जताई कि जैसे अभी तक चला आ रहा है वही स्थिति लगातार बनाए रखी जाएगी। लोग घरों में ही नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में नमाज कोई नहीं पढ़ने जाएगा, चाहे अलविदा की नमाज हो चाहे ईद की नमाज हो, और ईदगाह में कोई भी नहीं जाएगा। और इसके लिए सभी उलमाओं ने ये एश्योर किया है कि वो अलग अलग तरीके से सारे लोगों से इस बात को बताएंगे भी, और आज मीटिंग में सारे लोगों ने बल्कि खुद ही सजेस्ट करके ये चीज़ कही और जिम्मेदारी के साथ उन लोगों ने इस बात को कहा कि जो नियम है उसका पालन करने के लिए सारे प्रतिबद्ध रहेंगे और किसी भी स्थिति में क्राउड इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी, घरों में भी एहतियात के साथ लोग नमाज अदा करेंगे और उसके तरीके सारे उलमाओं ने बताए हुए हैं उसका पालन करेंगे। मेरी प्रशासन की तरफ से भी सभी से अपील है कि ये एक आपदा का समय है और ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा समय आया है। हम सभी को एहतियात और सतर्कता और थोड़े से धैर्य के साथ इस समय काम लेने की ज़रूरत है। इस बार की ईद हम संयम के साथ मनाएं, घरों में रहकर मनाएं, सादगी से मनाएं, और कोशिश हम करें कि जल्दी से इस आपदकाल से बाहर निकलें, और इससे बाहर निकलने का जो तरीका है वो अपनाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम करें। हमारे सारे उलमाओं के द्वारा जो आगे बढ़कर इस चीज़ में प्रशासन की मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए और एक वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जो कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय।